एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लीनेट। हमारी आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये यूनिसेक्स सॉक्स। लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए ये बन सकते हैं, ये पैटर्न यूज़ हो सकता है। मैंने इसी पैटर्न से बेबी सॉक्स बनाना सिखाए हुए हैं मेरे चैनल पे, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वो छोटे बच्चे के लिए हैं, इसी पैटर्न से मैंने बनाया है। और उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप मेल या फीमेल के लिए बड़ी साइज़ में ये बनाना सिखाएं, बड़ी साइज़ में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो में आपको ये वाले बड़ी साइज़ के जो है सॉक्स बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्म और स्ट्रेची होते हैं ये, क्योंकि ये गार्टर स्टिच से बने हुए हैं। दूसरी बात, नीडल्स, सिलाइयाँ और ऊन चाहे आपके पास किसी भी साइज़ की हो, सिर्फ आप नाप को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको अभी नाप बताऊंगी। एंड दूसरी बात ये कि हर किसी का पैर जो होता है मुख्तलिफ होता है, और हो सकता है कि आपको ज़्यादा लंबे सॉक्स चाहिए क्योंकि आपको ज़्यादा ठंड लगती हो, किसी को ज़्यादा ठंड लगती है मेरी तरह। तो आप ज़रूरी नहीं है कि 60 फंदे डालें, क्योंकि मैं इसके लिए 60 डाल रही हूँ। अगर आपको लंबा सॉक्स चाहिए और तो आप 80, 90 या 100 भी डाल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा सॉक्स चाहिए, या आपके घर में किसी को कितना लंबा सॉक्स चाहिए। जस्ट राउंड में पैर की नाप ले लीजिएगा कि विड्थ कितनी चाहिए उसकी। ये स्ट्रेची भी होता है तो उसकी फिक्र ना करें आप। और दूसरा ये कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नाप बताती जाऊँगी कि ये किस तरह कितनी नाप का है। ये मैं ये इस नाप का जो सॉक्स है वो मैं 7 नंबर का शू पहनती हूँ, तो मुझे आराम से फिट हो जाता है ये सॉक्स, ठीक है। मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कि कितना लेंथ में है ये सॉक्स, बट आपको जितनी भी लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से बनाइएगा। जस्ट नाप ले लें, निडल्स चाहे आप चेसी भी लें। दूसरा, टेपेस्ट्री निडल चाहिए डेफिनेटली इसको सीने के लिए, इंच टेप चाहिए और डेफिनेटली कैंची चाहिए आपको। सबसे पहले हम इस सॉक्स के लिए 60 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे सिलाई पे। 60 स्टिचेस, लॉन्ग टेल कास्ट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बाद में भी काट सकते हैं धागा लॉन्ग टेल छोड़ के, ताकि जो है आप उससे फिर साइड इसकी सी सकें सॉक्स की। तो आप 60 फंदे डाल लेंगे हम। स्लिप नॉट सिंपल सा बनाएंगे आपको। अगर कास्ट ऑन आप बिगिनर हैं, आपको कास्ट ऑन की वीडियो कास्ट ऑन नहीं आता, तो आप उसके 2-3 तरीकों से मैंने सिखाया हुआ है मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से सीख सकते हैं। ये सिंपल कास्ट ऑन मैंने इसलिए रखा है ताकि बिगिनर्स को हेल्प हो जाए। स्लिप नॉट बनाएंगे सिंपल, टेल आपने इधर रखनी है और बॉल इधर आपने रखना है, खींच लेना है। इसकी वीडियो आप बिगिनर्स हैं तो डिटेल से देख लीजिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा जस्ट स्किप करूँगी समझाने के लिए। लूजली कास्ट ऑन करना है आपने, टाइटली कास्ट ऑन नहीं करना। हम उसी तरह ही मैं आपको लूज बाइंड ऑफ भी बताऊँगी, क्योंकि हमने इसे ज़्यादा टाइट नहीं रखना, वरना यहाँ से खींचेगा ये जो इसका हम दोनों साइड्स जब आखिर में मिलाने लगेंगे। तो लूजली आप रखिएगा। 60 स्टिचेस, 60 फंदे सिलाई पे डाल लें, कास्ट ऑन 60 स्टिचेस। यहाँ पे मैंने 60 फंदे 60 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं सिलाई पे। रो नंबर 1 पहली सिलाई, फर्स्ट रो हमारी, पहला घर स्लिप करेंगे और बाकी सारे घरों को बुन लेंगे सीधा सीधा आखिरी घर तक, और आखिरी घर को हम उल्टा बुनेंगे। स्लिप 1, निट द लास्ट स्टिच, पर्ल 1। स्लिप किया, सारे फंदों को सीधा बुना आखिर तक, यहाँ तक, और इस वाले घर को उल्टा बुनेंगे। पहला घर हमेशा स्लिप करना है, आखिरी घर हमेशा उल्टा बुनना है, क्योंकि इस एजिंग के लिए। ये आप एजिंग देख रहे हैं नीटनेस से जो बनी है उसके लिए, शुरू से लेकर अभी हम ये गार्टर स्टिच बुन रहे हैं। गार्टर स्टिच अगर आप बिगिनर्स हैं
नहीं है और आपको आता है तो आप सिर्फ जो है ये दिमाग में रखिएगा कि पहला स्लिप करना है, आखिरी आपने उल्टा बुनना है, फिर रॉन्ग साइड से भी दूसरी राइट साइड होगी, लेकिन जब सेकंड रो होगी, एवरी रो आपने स्लिप वन एंड पर्ल द लास्ट वन। दूसरी बात, मैं ये डिटेल में दो सिलाइयाँ इसलिए करके बनाऊँ बता के दिखाऊँगी जस्ट फॉर बिगिनर्स। सारे फंदों को सीधा बुन लें आखिर तक, रो वन, रो वन रॉन्ग साइड, रो वन सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए, अब आखिरी फंदा धागा आगे करके उल्टा बुन लेंगे। अब दूसरी सिलाई रो नंबर टू, दूसरी सिलाई भी हम सेम एज रो वन पहली सिलाई की तरह ही बुनेंगे। ये राइट साइड है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो लाइन जा रही है ये राइट साइड की है और ये रॉन्ग साइड की। तो सेम उसी तरह पहला फंदा स्लिप करेंगे और आखिरी फंदे तक सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। स्लिप वन, निट टू द लास्ट स्टिच, पर्ल वन। हम उसी तरह दूसरी सिलाई भी बुन लेंगे। दूसरी सिलाई सारे फंदे इधर सीधे बुन लिए हैं हमने, अब धागा आगे, पर्ल वन, पहला फंदा स्लिप करना है, आखिरी उल्टा बुनना है। अब हमने इसी तरह रो वन की तरह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ गार्टर स्टिच की जो रिजेस बुन लेनी है। हमने देखें दो सिलाइयाँ बुनी तो हमारे पास ये एक गार्टर स्टिच की जो है वो लाइन आई है। ये गार्टर स्टिच की लाइनें हैं, गार्टर स्टिच किसी को नहीं आता तो वो भी मेरी वीडियोस में है हाउ टू नेट। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, सॉरी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ जो है वो गार्टर स्टिच की रिजेस हैं हमारे पास। और हमने अभी अंदर सिया हुआ है तो इसकी जो नाप है हमारे पास वो 5.5 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर। बट मैं आपको इस पे नाप के दिखाऊंगी कि किस तरह आपने फॉलो करना है नाप को। हम गिन बुन लेते हैं अब टोटल जो है नौ जो गार्टर स्टिच की लाइनें, तो आप भी बुन लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट इसका स्टेप करेंगे जो है ये रिबिंग वाला। ठीक है, सेम उसी तरह जिस तरह पहली स्लाई, स्लिप वन निट टू द लास्ट स्टिच, पहला घर स्लिप करके आखिरी फंदे तक हमने सीधे बुनने हैं और फिर आखिरी फंदा उल्टा। यहाँ पे मैंने नौ गार्टर स्टिच की लाइनें जो हैं वो बुन ली हैं। रोज हम गिन लेंगे सिलाइयाँ की कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 सिलाइयाँ हैं टोटल हमने बुनी, और नौ हमारे पास नाइन रिजेस हैं गार्टर स्टिच की लाइनें। अब हम ये वाला रिबिंग वाला पार्ट बुनेंगे, दो सीधे दो उल्टे वाला। यहाँ पे भी आपने पहला घर फॉर द रिबिंग पार्ट, रिबिंग वाले पार्ट के लिए, अच्छा मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगी थोड़ा सा, ठीक है। ये देखें 5.5 सेंटीमीटर, बट आप जो भी आप नाप लेंगे फूट की, पैर की, आप उसे फॉलो करेंगे कि राउंड में आपको कितना चाहिए, क्योंकि जो तीन पैनल हम बना रहे हैं, गार्टर स्टिच, रिबिंग वाला पार्ट, फिर गार्टर स्टिच, तो ये तीनों की जो होगी वो लेंथ हम रखेंगे वो बराबर होगी। तो जितनी भी आपको नाप मिले ने पैर की उनको आप बराबर बराबर करके बांट लेंगे और उस हिसाब से ये वाला हिस्सा
गार्टर स्टिच वाला हिस्सा, ये वाला और ये रिबिंग वाला हिस्सा जो है आप उसी के हिसाब से बुनेंगे। आप 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर हमें जो है यहाँ पे लेंथ मिली है इसकी। अब रिबिंग वाले पार्ट के लिए, फॉर रिबिंग पार्ट, स्लिप वन, निट वन फ्रॉम राइट साइड, रो नंबर 18, राइट साइड रो नंबर 18, 18वीं सिलाई, स्लिप वन निट वन, क्योंकि दो सीधे दो उल्टे बुनने हैं तो पहला तो हमने स्लिप करना था इसीलिए स्लिप कर लिया। अब हमने दो फिर उल्टे बुनने हैं, पर्ल टू, निट टू, पर्ल टू, रिबिंग, टू टू इंटू टू रिबिंग इसे कहते हैं। इसका पैटर्न भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट हमने पहला घर स्लिप करना है और आखिरी घर उल्टा बुनना है। अगर हमें पर्ल टू आखिर में मिल जाते हैं तो ठीक, क्योंकि मिलेंगे इधर, अगर नहीं तो आखिरी घर आपने इस एजिंग के लिए उल्टा बुनना होता है, जिससे आपका इधर शेप आता है और यहाँ से साइड मिलाने में आसानी होती है। तो फिर से निट टू, दो सीधे दो उल्टे पर्ल टू, फिर से निट टू, पर्ल टू, रो 18। अब इसी तरह हम यहां तक बुन लेंगे, रो 18 रिबिंग पार्ट, रो 18 18वीं सिलाई, हमने सारे फंदे दो सीधे दो उल्टे करके बुन लिए हैं। अब ये दो फंदे सीधे बुने, निट टू, और आखिरी दो फंदे हमें उल्टे ही मिले हैं तो हम इन्हें उल्टा ही बुनेंगे। अगर हमें ये सीधे मिले होते, क्योंकि जाहिर बात है आप घर डालेंगे, आपको जो लेंथ चाहिए, लंबाई चाहिए, तो अगर आपको पर्ल टू बचते हैं तो भी आपने ये वाला फंदा धागा आगे करके आखिरी फंदा पर्ल करना है, ठीक है। अब सेम तरीके से रो 19 सेम एज रो 18, 19वीं सिलाई बिल्कुल 18वीं सिलाई की तरह ही होगी। स्लिप करेंगे एक फंदा, क्योंकि ये देखें हमें दो फंदे सीधे ही मिले हुए हैं तो इन्हें हमने एक स्लिप करना है, जो कि रूल है, उसके बाद एक सीधा बनना है। अब फिर से दो उल्टे, पर्ल टू, नेट टू, पर्ल टू, सेम 18वीं सिलाई की तरह। अगर हमें यहाँ पे इस तरफ से दो सीधे बचते तो वो हमें यहाँ से दो उल्टे मिलते, तो हमें उसी तरह हमें उन्हें उनको बुनना था। अब जो आपको सीधे फंदे मिले हैं उन पे सीधा, जो उल्टे मिले हैं आपने उन पे उल्टा बुनना है, रूल है, आखिरी फंदा आपने उल्टा ही बुनना है। यहाँ पे हमें मिला भी उल्टा ही हुआ है, तो ये हम इसी तरह सीधे सीधे बुन लेंगे, निट टू, पर्ल टू, निट टू, पर्ल टू, निट टू, पर्ल टू, टू द एंड, सेम एज 18 रो, 18वीं सिलाई की तरह ही हम अब ये रो भी बुन लेंगे। यहाँ पे मैंने 19वीं सिलाई, 19th रो, दो सीधे दो उल्टे करके बुन ली है। ये दो आखिरी घर सीधे हैं, धागा आगे कर लेंगे और दो घरों को उल्टा बुन लेंगे, सेम रो 18, सेम एज रो 18। अब हमें यहाँ पे दो सिलाइयाँ मैंने आपको बुन के दिखाई हैं, रिबिंग वाला पार्ट भी हमने इसी तरह ही बुन लेना है, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर तक हमने रिबिंग वाला पार्ट भी बुन लेना है। और जो रोज हैं हमारे पास यहाँ पे, वो हम काउंट कर लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12, 13, 14, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे नाप के दिखाऊंगी, आई विल शो यू द मेजरमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि बनने के बाद गार्टर स्टिच भी खिंच जाता है अंदर और आपको दूसरी नाप मिल जाती है। तो गार्टर स्टिच का फायदा ये होता है, इट्स स्ट्रेची, पहनने में बहुत आसान होता है, और स्ट्रेची होता है मतलब खिंचता है, तो वो आपको आसानी होती है पहनने में भी, ठीक है। अब ये हम 5.5 सेंटीमीटर तक रिबिंग वाला पार्ट पूरा कर लेंगे, रिबिंग वाला मतलब ये दो सीधे दो उल्टे वाला जो बॉर्डर हम बनाते हैं वो वाला पार्ट, तो हम ये पूरा कर लेंगे।
यहाँ पे मैंने टोटल जो है रिबिंग की 12 सिलाइयाँ बुन ली हैं, 15 सिलाइयाँ बुन ली हैं, 15 रोज आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। ये राइट साइड है, 2 4, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये वाली, ठीक है, ये तो गार्टर स्टिच की लाइन है ना, उसके बाद वाली जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप को भी यही इतनी ही रोज मिले, क्योंकि आपने नाप को फॉलो करना है। अगर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की सिलाइयाँ हैं दूसरी साइज की, तो आपने नाप को फॉलो करना है, ठीक है। 6.5 तक है यहाँ पे, क्योंकि वो खिंचता है तो थोड़ा सा और भी अंदर हो जाता है, 6.5। अब ये भी यहाँ पे भी हमें 6.5 ही है हमारे पास, क्योंकि गार्टर स्टिच की आपको पता है कि 15 से ज़्यादा रोज थी, बट गार्टर स्टिच दूसरे मुख्तलिफ स्टिचेस होते हैं, कुछ ज़्यादा अंदर खींचते हैं, जैसे केबल लेस होता है वो ज़्यादा अंदर नहीं खींचता, तो गार्टर स्टिच अंदर खींचता है, स्टॉकनेट स्टिच नहीं खींचता। स्टॉकनेट गार्टर स्टिच किसी की भी वीडियो आपने देखनी हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, अगर नहीं है डिस्क्रिप्शन में तो मेरे चैनल में जब निटिंग टेक्निक्स में जाएंगी वहाँ पर मिल जाएगी, या स्टिच निटिंग स्टिचेस में प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर। रॉन्ग साइड से अब हमने हमने अब ये वाला पार्ट भी कंप्लीट करा, फिर ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब ये दूसरी साइड वाला गार्टर स्टिच वाला पार्ट कंप्लीट करना है। वो किस तरह करना है, हमने उतनी ही सिलाइयाँ बुननी हैं जितनी हमने यहाँ पे बुनी हैं, ठीक है, पर हमने रॉन्ग साइड से शुरू करना है, ताकि हमें ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं रिबिंग वाली, वो हमें इस तरफ से मिले। हम काउंटिंग हमेशा राइट साइड से करेंगे, जैसे कि देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 यहाँ पे जो है हमारे पास सिलाइयाँ हैं। 17 सिलाइयाँ बुनने के बाद हमने का बाइंड ऑफ करना है। कैसे बुनेंगे, फ्रॉम रॉन्ग साइड रो फॉर द गार्टर स्टिच पार्ट, गार्टर स्टिच का जो पार्ट है उसके लिए रॉन्ग साइड से, फ्रॉम रॉन्ग साइड जो उल्टी साइड है सॉक्स की, वहाँ से हमने सेम उसी तरह स्लिप 1 एंड निट टू द लास्ट स्टिच, आखिरी घर तक, आखिरी फंदे तक हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं, उसके बाद ही आखिरी फंदा हम उल्टा बुनेंगे। स्लिप 1, निट टू द लास्ट स्टिच, पर्ल 1, सेम जिस तरह, सेम एज रो 1, पहली सिलाई की तरह हमने इसी तरह बुन लेना है इस सिलाई को भी, और इसी तरह हमने सारी सिलाइयाँ बुन लेनी हैं, टोटल 17 रोज, उसके बाद हम बाइंड ऑफ करेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये गार्टर स्टिच की लाइन मिल रही है सेम इसी तरह, तो हम दोनों साइडों से अब हमने सीधा सीधा बुनना है और कुछ भी नहीं करना, स्लिप फर्स्ट स्टिच एंड पर्ल लास्ट, सेम एज रो 1, बट यहाँ पे हमने उल्टी साइड से शुरू करना है, क्योंकि हमें ये रिबिंग वाली लाइन चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है। तो आप 17 सिलाइयाँ बुन लें, मैं भी 17 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ गार्टर स्टिच की, सेम पहली सिलाई की तरह, स्लिप 1, निट द लास्ट स्टिच, पर्ल 1, फिर दूसरी साइड से जब रिटर्न करेंगे फिर स्लिप 1, निट द लास्ट स्टिच, पर्ल 1, इसी तरह हमने यहाँ 9, हाँ राइट साइड से गिने के 9 सिलाइयाँ लाइनें हैं जिस तरह यहाँ पे गार्टर स्टिच की, यहाँ पे भी 9 होनी चाहिए, तो हम बुन लेते हैं। यहाँ पे मैंने 17 लाइनें रोज जो हैं वो बुन ली हैं, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,
17 जो है हमने सिलाइयां बुन ली हैं, रोज 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गार्टर स्टिच की जो हैं लाइनें हैं, रिजेज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेम यही लेंथ होगी जो यहाँ पे है। अब हमने बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ कैसे करना है, इसे हम लूज बाइंड ऑफ कहते हैं। लूज बाइंड ऑफ के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप रिबिंग पे बाइंड ऑफ कर रहे हैं तो वो दूसरे तरीके से होता है लूजली, जिस तरह मैं वी नेक के बॉर्डर पे या किसी भी बॉर्डर पे बाइंड ऑफ करती हूँ, तो मैंने आपको दिखाया भी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो फंदों को थ्रू बैक लूप सीधा बुन लेंगे, नेट टू स्टिचेस टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हमने क्या करना है, ये वाला फंदा वापस डालेंगे निडल पे, फिर से दो फंदों को साथ में थ्रू बैक लूप बुन लेंगे। मैं फिर से कुछ दफा आपको करके दिखाऊंगी। फंदा वापस आपने डालना है, पुट स्टिच बैक टू द लेफ्ट हैंड निडल, इस वाली निडल उल्टे हाथ वाली निडल पे फंदा वापस डालेंगे और दो फंदों को थ्रू बैक लूप। बैक लूप किसे कहते हैं, पीछे वाली लूप से। एक तो हम सीधा फंदा इस तरह बुनते हैं ना, इस तरह नहीं, पीछे वाले लूप से, TBL भी जिसे कहते हैं। ये भी वीडियो निटिंग टेक्निक्स में आपको मिल जाएगी, TBL निट और थ्रू बैक लूप, TBL थ्रू बैक लूप। तो हम इसी तरह बुनते जाएंगे, दो फंदे साथ बुनेंगे थ्रू बैक लूप, फिर वापस डालेंगे फंदा सिलाई पे, फिर दो फंदों को। ये बाइंड ऑफ स्ट्रेची होता है, थ्रू बैक लूप बुनेंगे इसे, ये देखें। और इसी तरह आपने सारे फंदों को बंद कर देना है, फंदा वापस रखेंगे सिलाई पे डालेंगे, फिर दो फंदे मिला के उन्हें थ्रू बैक लूप इस तरह से बुन लेंगे, और इसी तरह से आपने आखिर तक बुन लेना है। उसके बाद हम इसे बंद करेंगे, इसकी साइड सियेंगे, वो भी एक अच्छी टेक्निक है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। यहाँ पे अब जो आखिरी ये फंदा बचा है, इसको हम सिक्योर कर लेंगे जिस तरह हम हमेशा करते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है धागा काट लेना है। हम थोड़ा सा धागा जो है वो ज्यादा काटेंगे ताकि हमें आसानी हो साइड सीने में। अब हम इसे नाप लेंगे, मैं आपको थोड़ा सा नाप के दिखाऊंगी। अब अगर आपने, मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने ज्यादा लेंथ आपको चाहिए सॉक्स की अपनी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, तो आप अगर लंबा सॉक्स बनाना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली ये करना है कि आपने घर ज्यादा डालने हैं। अब इसकी जो हमें लेंथ मिली है वो है 13 इंचेस तक हमें इसकी लेंथ मिली है, ठीक है, 13 इंचेस तक इसकी जो लेंथ मिली है हमें, और छह इंचेस तक हमें जो है इसकी टोटल विड्थ मिली है। तो अगर आपको विड्थ और लेंथ ज्यादा चाहिए तो आप, लेंथ ज्यादा चाहिए तो फंदे ज्यादा डाल लें, और अगर विड्थ ज़्यादा चाहिए तो उस पर आप जो भी बना रहे हैं, अगर मैंने 5.5 इंचेस बनाया है तो आप 6 इंचेस कर लें, ज़्यादा कर लें, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए, बट तीनों पैनल की लेंथ जो है वो बराबर होगी, इक्वल। सेकेंडली, जूते के चारों तरफ जो है आपके शू फूट के चारों तरफ आपने नाप लेनी है राउंड में, ठीक है। ये स्ट्रेची होता है इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमने धागा लिया है यहाँ पे, ये धागा बाद में हम वेविन कर लेंगे। राइट साइड देखनी है हमने कि कौन सी है इसकी, ये इसकी रॉन्ग साइड है, ये इसकी राइट साइड है। तो राइट साइड से हमने अब इसे सीना शुरू करना है, इस तरह से, ये राइट साइड है और रॉन्ग साइड है,
राइट साइड से हमने इसे सीना शुरू करना है। यहाँ पे मैं इस धागे को फिलहाल अंदर कर लूंगी क्योंकि बाद में हम उसे वेविन कर लेंगे। हम ये साइड को, ये आप देख सकते हैं कि राइट साइड ऊपर है, राइट साइड बाहर रखनी है और ये इन दोनों लाइनों को मिला लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब हमने सुई लेनी है और हमारी सुई कहाँ गई, टेपेस्ट्री नीडल हम ले लेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इनको हमने मिला लिया है। आप ये जो दो लाइनें देख रहे हैं, मैं इस तरह ये टेक्निक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंदर इसकी सीमिंग नहीं होती फिर, और फिर जब हम पहनते हैं तो ये चुभता नहीं है पैर में, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, क्योंकि ये सॉक्स से हम पहनते हैं तो ये इसका बैक साइड है, ये पैर के नीचे आता है, तो अगर हम आम टेक्निक की तरह इसे बंद करेंगे तो वो हमें चुभ सकता है पैर के नीचे और बच्चे को भी। तो अब जो है हमने यहाँ पे ये आप जो वी की तरह पे यहाँ पे शेप देख रहे हैं, ये वी की तरह जो आप ये शेप देख रहे हैं, ठीक है, हम बाहर वाली लेग में निडल इंसर्ट करेंगे और इसे बंद करना शुरू करेंगे। फिर यहां से आप देख रहे हैं कि ये वी शेप है, ठीक है, इसकी जो बाहर वाली लेग है, दिस वन, बाहर वाली लेग, ये इस तरफ वाली नहीं, ये इस तरफ वाली, उसमें से हम धागा निकालेंगे। फिर से यहां पे इस लाइन पे भी इस तरह करेंगे, ये वी है, ये वी है, और अक्सर जो है ये आउटसाइड इसकी जो लेंगे, अक्सर बच्चों के या बड़ों के जो हम इस तरह बूटीज बनाते हैं उसमें भी आप इसी तरह ही करते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको चुभता नहीं है, तो थोड़ा सा बंद करने के बाद आप खींच लेंगे ताकि वो अटके ना। फिर से आपने इसी तरह करते जाना है, ये विश है और इसका जो है आउटसाइड लेग, उसमें आपने निडल इंसर्ट करते जाना है और इसे बंद करते जाना है। ठीक है, इस तरह से हम बंद कर लेंगे इसे सारे को, थोड़ा सा खींचते जाएंगे ताकि, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी सीमिंग नहीं होती है तो वो आपको इतना चुभता नहीं है।
यहाँ पे मैंने इसकी जो साइड है वो बंद कर ली है। अब हम ये इसका आगे वाला पार्ट बंद करेंगे यहाँ से। ये आपको अब देख रहे हैं कि एजिंग इसकी हमने जो नीट बनाई थी वो इसलिए भी है कि आपको आसानी होती है फिर इसकी साइड बंद करने में। अब फिर से वैसे ही आप वी शेप यहाँ पे देख रहे हैं, आउटसाइड लेग आपने एक उठानी है यहाँ से और दूसरी यहाँ से, फिर दूसरी यहाँ से और फिर यहाँ से, और इसी तरह आपने बंद करते जाना है एंड तक, ठीक है। और थोड़ा सा बंद करने के बाद खींच लेना है यहाँ से। यहाँ पे हमने इसका फ्रंट पार्ट भी बंद कर दिया है। आप इसे सही से खींच लेंगे बाहर। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस धागे को अंदर कर देंगे और अंदर वाली साइड ही, रॉन्ग साइड से ही हमेशा वेविन होता है, तो अंदर की तरफ इसे करके फिर हमने वेविन कर लेना है। वेविन आप, वेविन की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जस्ट आपने इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। दूसरे धागे हम बाद में वेविन कर लेंगे, आप बाद में वेविन कर लीजिएगा दूसरे धागे, जस्ट आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमारा ये सॉक तैयार हो गया है। लेंथ आपने जितनी भी रखनी हो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सॉक्स कैसे लगे हैं, और अगर आप बना लें तो पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। And thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.